क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ, कोई मदद चाहिए क्या? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे ये बॉक्स कहीं पहुंचाना है। हाँ वो तो ठीक है, पर है क्या इसमें? इसमें एक बहुत ही अनमोल चीज है और वक्त पे कहीं पहुंचानी पड़ेगी। मेहरबानी होगी यार तुम्हारी। हाँ हाँ चलो बॉक्स रखो, थोड़ा हाथ लगवाओ। हाँ हाँ। अरे बड़ा भारी है भैया। उठाओ। इतना बड़ा बक्सा। ये एड्रेस है, इस बक्से को इस जगह छोड़ देना। क्या मतलब है, आप नहीं आ रहे हो? एक मिनट, ये कुछ पैसे रखो, इसे सही जगह पहुंचाओ। बक्सा उतारिए। मैंने कहा ना बक्सा उतारिए। अरे मुझे नहीं करनी आपकी मदद। अरे बेवकूफ समझा आपने, हाँ बक्से में क्या है क्या नहीं है? तुम ये सब रखो यार, लेकिन टाइम पे बक्सा जिस एड्रेस पे बोला है वहां पहुंचा देना। हाँ देखिए मेरी एक शर्त है, बक्सा खोल के देखूंगा मैं। अरे क्या है क्या नहीं है इसमें? सुन मेरी बात सुन, मेरी नौकरी चली जाएगी इसे मैं नहीं खोल सकता। बस पास में तो जाना है, प्लीज लेके जाओ ना यार। ठीक है भाई, भरोसा करता हूँ मैं। हाँ। इंसान इंसान के ही काम आता है। तो यही कैसी चीख अपने को, क्या बक्सा यहीं उतार के चलता। बक्से में से चीख, हे भगवान। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ तुम लोग सब लोग, 15 दिन में ये बिल्डिंग पूरी करके देनी है हमें, वक्त नहीं है हमारे पास। और सोनू तू इतना सुस्त क्यों है, खाना वाना नहीं खाता क्या? चल जल्दी काम कर। कौन है वहां पे? मैंने पूछा कौन है वहां पे? अभी तो बिल्डिंग का काम भी खत्म नहीं हुआ है और अभी से बिल्डिंग टूटने लगी। सोनू जरा देख तो। भागो सब भागो यहां से,
सोनू वरना सब मारे जाओगे। सोनू हुआ क्या? सम हुआ क्या? किस चीज की आवाज थी? और ये चेहरे पर निशान कैसा है? पट्टियों वाला मुर्दा। मुर्दा 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 कुछ नहीं होता है, ये कुछ जरूर कोई चोर और घुसाया होगा। एक काम करो, सब लोग मेरे साथ चलो। चलिए मेरे साथ। सर मैंने और मजदूरों ने मिलकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कि हम आपकी बिल्डिंग में अब काम नहीं करेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर लगता है आपकी नजर कमजोर हो चुकी है, इसलिए मेरे चेहरे पर ये निशान आप देख नहीं पा रहे। ये हाँ शराब पी के झगड़ा किया होगा। सर ये उस आत्मा की देन है जो आपकी बिल्डिंग में है। आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं साथ में सोनू को भी लाया हूं। सोनू देखिए सर, बेचारा इतना घबरा गया है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। सोनू ये सब क्या है? साहब पट्टी वाला मुर्दा और कौन है इधर? कौन है उधर? मुझे लगता है कि तुम सब लोग काम कम और नशा ज्यादा करते हो, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर अगर हमारी बातों पर यकीन ना हो तो कोई दूसरे मजदूर रख के क्यों नहीं देख लेते? जब वो अपनी आप बीती सुनाएंगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। बिल्कुल रख लूंगा। इस शहर में मजदूरों की कोई कमी नहीं है। इस शहर में काम की भी कोई कमी नहीं है। तुम्हारा आज तक का हिसाब। और एक बात याद रखना कि इस बिल्डिंग में मेरे और मेरे इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए लगे हैं। तो तूने बाहर जाकर इस बिल्डिंग के बारे में कोई बकवास की या कोई झूठी अफवाह भी फैलाई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिनेश पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, समझे? हाँ, और हम तुम्हारे फाइनेंसर हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं कि जब दिल में चाहा कार्ड डाला और पैसे ले लिए। देखिए आप लोग बेवजह भड़क रहे हैं। बेवजह? तुमने कमिटमेंट किया था अब तक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, क्या हुआ? हाँ चंदू मैं बिरयानी बना रहा हूँ, कोई दो मिनट में बनने वाला बर्गर नहीं। जब आप लोग बिल्डिंग की क्वालिटी देखेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि आप लोगों का पैसा बिल्कुल सही जगह लगा है। हाँ पता चल रहा है ये कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है। वैसे काफी अच्छी पार्टी थी आपने अपने शादी के सालगिरह की। और नताशा? एक्सक्यूज मी सॉरी सर, मैं आप लोग को तो अपनी फ्रेंड से मिलवाना ही भूल गई। मीट कम शीज टीना स्वाति। बस बस हमें किसी से नहीं मिलना। दिनेश इस बार अगर तुमने जबान बदली ना 15 दिन मतलब 15 दिन दैट फाइनल। हाँ हाँ 15 दिन पक्का। अरे 15 दिन से ज्यादा हुआ ना तो तुम्हारा घर और भाभी जी के गहने बेच करके अपने पैसे हम लोग वसूल लेंगे, समझा? अरे पक्का कहा ना। दिनेश सुनो ना। एक्सक्यूज मी आपकी भाभी बुला रही है मन से। एक्सक्यूज मी जल्दी आइए ना। क्या है दिनेश? देखिए ना मार्केट में नया हार आया है, आप कभी लेकर देंगे मुझे ये?
बस हार और गहने, इन चीजों के अलावा तुम्हारे लिए और कोई चीजें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पति जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। क्या बात है पापा, आप मम्मी पर इस तरह से क्यों चीख रहे हैं? मैंने सिर्फ सालगिरह का तोहफा मांगा था और ये ऐसे कर रहे थे मुझ पर। आशा, ये जो तुम्हारे ठाट बाट और ऐशो आराम है ना, वो केवल इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा ये पति दिन रात गधे की तरह काम करता है। पापा, अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना, तो थोड़ा हम पर भी खर्च कर दो प्लीज। पहले तो आपने फ्लैट देने के लिए भी मना कर दिया और अब जब मम्मी ने आपसे एक छोटा सा हार मांगा तो उसमें भी आपको दिक्कत है। तुम दोनों नालायक बच्चों को तो मैं कुछ दूंगा नहीं, और तुम लोग मेरे घर में रहते हो इसी बात से खुश रहो। नहीं चाहिए मुझे नकली जेवर, जिंदगी भर मुझे नकली जेवर ही दिए हैं। एक छोटा सा हीरे का हार ही तो मांगा था मैंने। कौन कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? आशा, उम्मी, आशा, क्या उम्मी? अच्छा, ये सब क्या उम्मी? क्या हुआ? तो मर गई। हाँ, ओह नो! हेलो, हेलो, सीआईडी? निशान देखा गले में? हाँ सर, लगता है काफी जोर से गला दबाया खूनी ने। ये जो नेकलेस है ना, इससे पकड़ के घसीटा है, तभी निशान इतने गहरे हैं। शायद विंड पाइप के टूट जाने से मौत हो गई इनकी। सर, खून के निशान कॉरिडोर में यहां तक आए और आशा जी की चप्पल। ने आपको बचाने में बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने, पर खूनी ज्यादा ताकतवर निकला। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। ये सब कैसे हो गया सुलेखा? आज तो इतना शुभ दिन था, शादी के सालगिरह वाले दिन। आपकी तारीफ? जी, मैं सुलेखा का हस्बैंड। तो आशा जी आपकी सास थी? जी। सास ससुर की एनिवर्सरी पार्टी में आप काफी लेट नहीं आ रहे? वो बिजनेस मीटिंग में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, बस अभी पहुंचा हूं। ठीक है, इधर आ जाइए आप। दिनेश जी, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा काम? सर, मेरी वाइफ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, मैं यही कह रहा हूँ कि दिनेश ने खुद ही अपने बीवी का फोन करवाया है। सर, हमने इसका झगड़ा सुना था, ये अपने बीवी से कह रहा था कि मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। पति जिए या मरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। सर, बकवास कर रहे हैं लोग। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सचमुच वो कर दूंगा। वैसे ऐसा हुआ क्या था कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने गला दबाने की धमकी दे दी, वो भी शादी की सालगिरह वाले दिन? इसकी वजह भी ये लोग ही है, ये मेरे इन्वेस्टर्स हैं। अब मुझे एक एक पाई ऐसे देते हैं जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। तुम लोगों की मैं एक एक पाई चुका दूंगा, वो भी ब्याज सहित, समझे? तो दे दो ना। एक मिनट, बिजनेस की बातें मत कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे खून हुआ है। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो।
ओह माय गॉड, कौन है ये? सुनिए छोटो, कौन हो तुम हैं? और यहाँ क्यों छुप के बैठी हो? मुर्दा पट्टियों वाला मार डालेगा। सर डरी हुई है, ऊपर से जख्मी भी। देखो आप बिल्कुल घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल, कोमल आप यहाँ क्यों छुप के बैठी थी? वो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर घूमते हुए देखा। पट्टियों वाला मुर्दा? जैसे मैं यहाँ से बाहर निकली तो पट्टियों वाला मुर्दा बाहर था। अच्छा ठीक है, तुम वो जो भी पट्टियों वाला मुर्दा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ। वेरी गुड, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और इस घर का कोना कोना छान मारो, देखो खूनी के बारे में कुछ सुराग मिलता है क्या। जाओ। सर ये पट्टी मिली है क्या यहाँ पर? कोमल ने देखा पट्टी वाला मुर्दा पर यहाँ पे पट्टी का टुकड़ा मिला। सर स्केच तैयार है। तो ये है वो पट्टी वाला मुर्दा, इस मुर्दे का और इस पट्टी का क्या राज है जल्द से जल्द पता लगाना होगा। गले का हार बेचारी का फांसी का फंदा बन गया, जैसे ही खूनी ने हार खींचा बेचारी कुछ नहीं कर पाई। सर वो आदमी गले का हार छीनने के लिए आया था ऐसा लगता नहीं। वही तो सचिन, वही तो राज है। बड़ा अजीब तरीका ढूंढा खून करने का यार। हाँ जयवंती, डॉक्टर साहब को जरा स्केच दिखा। यस सर। ये देखिए सर, ये मम्मी की ड्रेस है। मम्मी मतलब माँ? मम्मी नहीं प्रेरी, मम्मी। हजारों साल पहले जब इजिप्ट में राजा महाराजा मर जाते थे तो उनकी बॉडी को एम्बाम कर दिया जाता था, अलग अलग तरीके की सीक्रेट्स दवाइयां मरहम बाम वगैरह लगा दिया जाता था उनकी बॉडी पर और बाद में इन पट्टियों से उसे ढक दिया जाता था, इससे मम्मी सड़ती नहीं थी। मर गए मतलब हजारों साल पुरानी लाश यहाँ पे आ गई और एक के बाद एक खून कर रही है। और शायद अगला खून तुम्हारा होगा। मेरा हो गया, अब चुपचाप खड़े रहो और एक बात ध्यान में रखो, मम्मी कभी सड़ती नहीं है और ना मम्मी कभी जिंदा होती है। अच्छा सर, ये जो पट्टी का टुकड़ा हमारे हाथ लगा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खूनी के साथ हाथापाई के दौरान आशा जी के हाथ आ गया? नहीं ऐसे नहीं हुआ। तारिका जी आप थी क्या वहां पे? नहीं। फिर एक सीआईडी ऑफिसर बोल रहा है कि इनके हाथों में पट्टी आई थी, मतलब आई थी। सीआईडी ऑफिसर आसमान से उतरता है क्या, उससे गलती नहीं हो सकती। ये पट्टी का टुकड़ा जो आप लोग लेकर के आए हैं ये हाथापाई में नहीं फटा है। अगर हाथापाई में फटता तो सीधा नहीं फटता, टेढ़ा मेढ़ा फटता, समझे? और ये टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। 1500 साल पुराना है ये टुकड़ा। 1500 साल? 1500 साल? 1500 साल? जी, किसी ने मम्मी की पट्टियां खरीद ली है। कहां से सालूंगे साहब, ये इजिप्ट से। अरे यार लोग पुरानी मम्मियां खोद खोद के निकाल रहे हैं और चोरी छिपे बाजार में बेच रहे हैं, ऐसी एक मम्मी शायद इंडिया में आ गई। बाप रे, लेकिन सर ये खूनी मम्मी बना क्यों होगा? हल्ला मचाने के लिए सचिन, हल्ला मचाने के लिए। ये खूनी चाहता है कि लोग उसे देखे और जोर जोर से चिल्लाए मम्मी आ गई मम्मी आ गई। ये खून उस खूनी मम्मी ने ही किया है और वो पट्टी का टुकड़ा जानबूझकर छोड़ गया है हमारे लिए सबूत। Thank you.
आज तो मैं इस मम्मी का काम तमाम कर दूंगा। सर ये सोनू है, दिनेश की बिल्डिंग में काम करता है। अच्छा सोनू साहब, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, कंगाल थे वो। एक मिनट, कंगाल थे वो, कोई पैसा वैसा नहीं था दिनेश साहब के पास, क्या मतलब क्या है? नहीं साहब, वो तो श्रद्धा लेके पहुंचा था, कर्जे में डूबे हुए थे और उस बिल्डिंग की वजह से, और जब से उस पट्टी वाले मुर्दे ने हम लोगों पे हमला किया है उस बिल्डिंग का काम भी बंद पड़ा हुआ है। पट्टी वाले खूनी ने तुम पर हमला किया? तुम पर? सर कहीं ये वही तो नहीं जिसने आशा जी का भी खून किया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे वो पट्टी वाला खूनी दिखता कैसे है? सर पट्टियों में लिपटा हुआ, एकदम सड़ा सा मुंह, चेहरे पे खून लगा हुआ था जैसे उसको कोई चोट लगी हो। मतलब उसकी सर आवाज भी बहुत अजीब सी थी उसकी सर आवाज भी। एक मिनट, क्या वो ऐसा दिखता था? हाँ साहब ये तो था वो। चलो ठीक है तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सर ये जो कोई भी आशा जी का खून करने के लिए आया था, या तो पहले से मम्मी बन के आया था, या फिर पार्टी में आने के बाद उसने अपना हुलिया बदला है। सर काम करते हैं, पार्टी का फुटेज देखते हैं। एक मिनट पॉज करो, ये देखो ये है ना महेश, आशा जी की बेटी, सुलेखा का पति महेश। हाँ सर, लेकिन ये तो कह रहा था कि आशा जी की मौत के बाद आया था ये पार्टी में। झूठ बोला हमसे वो, झूठ बोला। जयंती सर फोन करके बुला लो उसे अभी। yes. इसी वक्त। सर फोन नहीं उठा रहा है। महेश फोन नहीं उठा रहा है, उसकी आधी कारस्तानी तो इसी से समझती है। रेडी, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकालो उसके। सर ये रहे महेश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। 40 बार फोन किया है एक ही नंबर पे, पर ये नंबर तो उसके सासू माँ का है। सर सासू माँ से इतना ज्यादा लगा? इस महेश से मिलना पड़ेगा। महेश एक्सक्यूज मी, क्या महेश घर पे है इस वक्त? नहीं सर, महेश जी तो अभी घर पे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए महेश ने हम सबसे झूठ बोला, जब आपकी माँ का खून हुआ उससे पहले ही महेश वहां मौजूद था। आपका मतलब है मेरे पति ने खून किया है? देखिए हमें उस पे शक है। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेंगे? पैसों के लिए किया होगा उसने। सर पैसों के लिए? लेकिन सारा पैसा तो डैडी के पास है, उन्होंने आज तक माँ को कभी कुछ नहीं दिया, तो फिर महेश जी जो क्यों हत्या करेंगे मेरी मॉम की? अब ये सब कुछ तो हमें महेश ही बताएगा, लेकिन हाँ अगर महेश आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो हमें खबर कीजिए। तो फ्रेडी इस महेश का मोबाइल ट्रैक करो, सब पता चल जाएगा। आज ये पटियों वाला मुर्दा मिल जाए बस। <स्थ
हाँ हाँ जीतो भाई, हाँ आपके लिए खुशखबरी है। हाँ जी, बिल्डिंग का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार नहीं है, क्या तुम वहाँ का सारा काम खुद करोगे? नहीं जीतो भाई, मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा जिसके कारण सारे मजदूर डरे हुए हैं। आज उस पट्टी वाले मुद्दे का दी एंड है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। यहीं से आवाज आई, पट्टी वाले मुर्दे, आज तू बचेगा नहीं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। गोली मत चलाना। तो तू ही ये सब कुछ कर रहा है, और तूने ही आशा को भी मारा। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने नहीं मारा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं डैडी, वो आपके पीछे है। ना 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 महेश, मैं तेरी किसी भी चाल में आने वाला नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, वो पट्टी वाला मुर्दा आपके पीछे ही है। पीछे कुछ भी नहीं, देखो सर, मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि ये दिनेश का मोबाइल भी यहीं पे है। इससे पहले महेश दिनेश को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे बचाना होगा। अरे सर दिनेश, चलो देखते हैं। माय गॉड, ये तो जिंदा है। सच, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। सर जल्दी, फ्रेडी जयवंती देखो आसपास। यस सर। महेश सर, आप रेडी? क्या हुआ सर? महेश बेहोश है। महेश, सर, ये गन पड़ी हुई थी यहाँ पे। सर हम तो सोच रहे थे कि इन सब के पीछे ये महेश है, लेकिन ये तो खुद ही बेहोश पड़ा है। ये तो महेश के होश आने के बाद ही पता चलेगा कि ये सब किसका किया कराया है।
डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे पापा की? फिलहाल इनकी तबीयत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, एक्सक्यूज मी। सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति तब घिनौना मुजरिम निकलेगा। पहले तुमने मेरी माँ को मार दिया और अब मेरे पापा पे तुमने हमला किया। ये तुम क्या कह रहे हो सुलेखा? देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ। मैं हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निरपराध है, लेकिन सारे सबूत उसी आदमी की तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि ये इस आदमी ने किया है और वो आदमी है तुम। लेकिन सर, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित करता है कि खून मैंने किया है? एक हो तो बताए। सबसे पहले तो तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम पार्टी में देर से गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ साफ दिखा रही है कि तुम पार्टी में पहले ही मौजूद थे, आशा जी की मौत से पहले। सबूत नंबर दो, 3 दिनों में 40 फोन किए तुमने आशा जी को, जबकि तुम उन्हीं के घर में रहते थे। इतने सारे फोन कॉल करने की वजह? और जिस वक्त क्राइम सीन पर दिनेश जी मिले, उस वक्त सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था, वो तुम थे। मैं डर गया था सर, डर गया था। दरअसल बात यह है सर कि मैं नया बिजनेस चालू करना चाहता हूँ और जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, और मैं चाहता था कि वो पैसे मुझे सासू माँ जी दे दे। बस सर, इसीलिए मैं उन्हें बार बार कॉल कर रहा था, और कोई वजह नहीं है सर। तो इनके कहने का मतलब है कि ये पार्टी में पैसे मांगने के लिए गए थे आशा जी से, है ना? हाँ सर, उस दिन मैंने देखा कि ये लोग बिजनेस के लिए मुझे पैसा नहीं दे रहे, और सासू माँ को लाखों करोड़ों के गहने दिए जा रहे। और तुमने गुस्से में आकर मार डाला आशा जी को? नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैंने कहा ना, मैं उनसे पार्टी में बात करने गया था, पर मैं मेरे बात करने से पहले ही उनका मर्डर हो चुका था। नहीं 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 महेश जी, कौन विश्वास करेगा तुम्हारी इन बातों पर? पहले तुमने आशा जी को मारा, फिर दिनेश जी के पीछे पड़े, और वो भी कहां पर? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। ये गलत इल्जाम है। मैं वहां पर उनसे भी बात करने गया था, मैंने नहीं मारा। ऑफिस में नहीं जा सकते थे, घर में नहीं जा सकते थे? उनसे बात करने मैं ऑफिस ही गया था, पर जब मैं ऑफिस पहुंचा सर, तो वो निकल चुके थे अपनी साइट पे सर, इसीलिए मैं साइट पर चला गया। पर जब मैं साइट पर गया तो सर, मैंने देखा कि एक पट्टी वाले मुर्गे ने उन्हें धक्का दे दिया वहां से सर। आशा जी और दिनेश जी पर मम्मी ने हमला किया? हाँ सर। पंकज, ये तो उस आदमी ने किया है जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ये किसी इजिप्शियन मम्मी ने खून किया है। पर वो हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ा है? डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि इस तरह की पुरानी और महंगी पट्टियां आसानी से नहीं मिलती। सचिन, सेंट्रल स्टेट लेबोरेटरी से पता लगाएंगे कि पट्टियां कहां से और कैसे मिली है। मैं एसीआईडी से आपसे मिलना चाहती हूं। डॉक्टर चारू, आप ही? हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। डॉक्टर चारू, इस पट्टी को पहचानती हैं? ओह माय गॉड, ये पट्टी आपको कहाँ से मिली? ये पट्टी तो हमारी लैब से चुराई गई थी। इस सिलसिले में एक डॉक्टर को काम से भी निकाल दिया गया। आइए। ये तो वही मम्मी है ना जो इजिप्ट में होती है, मतलब ये नींद में चलकर यहाँ पर आ गई। अब भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। दरअसल हर साल इजिप्ट से इन मम्मीज को हमारे यहाँ रिसर्च के लिए भेजा जाता है, और सर ये मम्मीज 1500 साल पुरानी है। क्या सिर्फ इन्हीं मम्मीज की पट्टी गायब है? हाँ सर, कुल 5 मम्मीज की पट्टियाँ चोरी हुई थी, जिसमें से 2 पे मैं काम कर रही हूँ इन्हें गलने से बचाने के लिए। अच्छा, आप कह रही थी ना कि एक डॉक्टर को काम से निकाल दिया गया पट्टी चुराने के इल्जाम, उसकी डिटेल मिल सकती है मैं? हाँ सर, देती हूँ। ये है सर मिस्टर ज्ञान, इन्हें काम से निकाल दिया गया। इन्होंने पट्टियां चोरी की या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इन मम्मीज की देखरेख यही करते थे। और हाँ सर, उनकी एक पर्सनल असिस्टेंट भी थी।
इनके असिस्टेंट का कोई फोटो नंबर या एड्रेस है आपके पास? वो उनके पर्सनल असिस्टेंट थी, इसलिए हमारे पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। सर, 5 मम्मीज की पट्टियां गायब है और खूनी खुद मम्मी बनकर दिनेश के परिवार के पीछे पड़ा है। हाँ मम्मी, ये खूनी दिनेश के ऊपर दोबारा हमला करेगा। क्या हुआ डॉक्टर, आप पापा को इतनी अचानक से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, इनकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई है, अगर इन्हें आरजे हॉस्पिटल भर्ती नहीं कराया गया तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। वही तो, चलो देखते। अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये पेशेंट मिस्टर दिनेश का है? हाँ जी, उनको तो डिस्चार्ज दे दिया है। क्या मतलब, तबीयत सुधर गई थी उनकी? नहीं, तबीयत तो नाजुक ही थी, पर उनके परिवार वालों को शायद भरोसा नहीं था कि उनका यहाँ अच्छा इलाज होगा, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को फोन किया और वो यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल? आरजे हॉस्पिटल। आरजे हॉस्पिटल, उसका नंबर तो होगा ना यहाँ पर? जी, रिसेप्शन पे होगा। चलिए आइए, बात करा देता हूँ। हेलो, आरजे हॉस्पिटल। देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में अभी अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ है, दिनेश नाम है उनका। नहीं हुआ है? काम हो गया है बॉस, तीर कमान से निकल चुका है, आप निशाना तैयार रखो। अरे धुआं, धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। धुआं बढ़ते ही जा रहा है ये। अब तुम्हारे जीवन का मकसद पूरा हो गया? हाँ, पिछले 10 साल से मैं इसी दिन के तो सपने देखती आई हूँ, और देखो आज मेरा सपना पूरा हो गया। नहीं नहीं, सीआईडी के रहते अपराधियों के सपने कभी पूरे नहीं होते। सीआईडी? क्यों डॉक्टर ज्ञान, पेशा डॉक्टर का, काम एक अपराधी का। अबे देख क्या रहे हो, उड़ाओ इन सीआईडी वालों को। जिंदा लोगों को मम्मीफाई करी थी ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ मम्मीफिकेशन किसे कहते हैं। अपराधियों को मम्मीज बनाने का काम हम करते। मैं
मैं दिनेश की सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बनी ताकि इससे अपने भाई के मौत का बदला ले सकूं, और इसलिए मैंने मम्मी बनकर इसकी बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों पर हमला किया ताकि मम्मी की अफवाह फैल जाए। तुम कुणाल की बहन हो? नाम मत लो अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का। एक वक्त था जब वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था, और तुमने क्या किया, दोनों साथ गए थे ना विदेश पैसा कमाने के लिए। सर इसको सहयोग से एक मम्मी मिली। हाँ, मेरा भाई चाहता था कि वो ये मम्मी वहां की देश की सरकार को सौंप दे, लेकिन ये दिनेश उसे ग्रे मार्केट में बेचना चाहता था। सर ऐसा जब कुणाल ने कहा कि वो पुलिस के पास जाएगा तो मैंने उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया और मम्मी बेचकर अमीर बन गया। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। पैसों के लालच में तुमने दोस्ती को जमीन में गाड़ दिया। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए आप। अब ये तो समझ में आ गया कि तुमने नताशा को नौकरी पे इसलिए रखा क्योंकि तुमने कुणाल की बहन को देखा नहीं था। अगर ये बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर ज्ञान इस सब में तुमने इसका साथ कैसे दिया? मैंने ये सब पैसे के लिए किया। पैसों के लिए अपराध के दलदल में कूद गए तुम। और नताशा, तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारे भाई का खून इस दिनेश ने किया? जब कई दिनों तक भैया की विदेश से कोई खबर नहीं आई तो मैं उनका पता लेने के लिए इसके घर गई थी, और वहां मैंने सुना कि अपनी बीवी को बता रहा था कि किस तरह इसने मेरे भाई का खून कर दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। आशा ये सब पहले से जानती थी, और इसलिए मुझे उसको मारने का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा होगा, तुम सबको बहुत पछतावा होगा जब कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा, शायद फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.